भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा 3 नवंबर को रहेंगे रीवा प्रवास पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में चुनावी बिगुल बज चुका है और हर राजनीतिक दलों ने जनादेश को अपने पक्ष में लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपने एक दिवसीय प्रवास पर 3 नवंबर को रीवा पहुंच रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने एक दिवसीय प्रवास पर 4 विधानसभा में रथ सभा के साथ साथ जनसभा को संबोधित करेंगे। बताया गया है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुबह 10:45 पर प्रयागराज से त्योंथर विधानसभा पहुंचेंगे, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद केंद्रीय मंत्री सिरमौर विधानसभा में जवा क्षेत्र में रथ सभा सिरमौर से जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरिया विधानसभा में प्रवेश करेंगे, जहां सिमरिया में जनसभा बनकुइया में रथ सभा करेंगे। उसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष रीवा विधानसभा में प्रवेश करेंगे, जहां उनको ढेकहा तिराहे में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। तत्पश्चात वे वेंकट भवन ग्राउंड में पहुंचेंगे और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा को संबोधित करने के बाद भारतीय जनता पार्टी कार्यालय रीवा में संगठनात्मक बैठक में भाग लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी 3 तारीख को हमारे रीवा जिले के प्रवास पे रहेंगे। माननीय नड्डा जी दिल्ली से चलकर प्रयागराज एयरपोर्ट आएंगे, प्रयागराज एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से त्योंथर में लैंड करेंगे और वहां त्योंथर में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। त्योंथर से रथ के माध्यम से जावा, जावा में एक रथ सभा का आयोजन होगा, रोड शो होगा। उसके बाद वहां से जावा से चलेंगे और सिरमौर में एक शहर के अंदर रोड शो और विशाल आम सभा आयोजित की जाएगी। सिरमौर से निकलने के बाद गुदहा मोड़ सिमरिया विधानसभा का वहां पे भव्य स्वागत और एक रथ सभा होगी। गुदहा मोड़ के उपरांत सिमरिया के अंदर बकिया तिराह के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। सिमरिया से निकलने के उपरांत आपके बनकुइया में भट्ठा मोड़ पे एक विशाल रथ सभा को संबोधित करेंगे। वहां चलने के बाद यहाँ रीवा जगह तिराह पे स्वागत होगा और रीवा शहर के अंदर वेंकट भवन के सामने एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। तदुपरांत वह रात विश्राम यही है, रात में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करेंगे। द खबरदार से विजय तिवारी की रिपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।